फ्रेंड्स, आई एम राहुल मापारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2021 की एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस। सो यहाँ पे हम रजिस्टर होने से आपका प्रिंट आउट डायरेक्ट फाइनल मतलब पेमेंट वगैरह सब होने के बाद वहाँ तक जाएंगे पूरी प्रोसेस। और मैं एक बात आपको और बता दूँ कि इस बार ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस गेट 2021 की बहुत ही सिंपल बनाई है। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके भी दो चार स्टेप में जा सकते हैं। जितना टाइम मुझे एक्सप्लेन करने में लगेगा उससे कम टाइम में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं शुरू से एकदम। सो सबसे पहले आपको वो एक आपके जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, गूगल में मैंने किया है, गेट 2021 सर्च कीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारी IITs की वेबसाइट वगैरह मिल जाएगी, या फिर डायरेक्टली कैंडिडेट लॉगिन इस टाइप का भी पेज मिल जाएगा, या फिर IIT बॉम्बे जो कि इस साल गेट 2021 कंडक्ट कर रही है उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो आप किसी भी लिंक से एक पोर्टल पर जाना है आपको, जैसे कि ये गेट 2021 ओके ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, तो इस टाइप के इंटरफेस पे आना है। आप इसको ऐसा एक URL दे के भी सर्च कर सकते हैं gate.iitb.ac.in ओके। सो इसके बाद हमारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इस पेज को आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी न्यू और वो बोल्ड कलर में। तो उस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको प्रिपेयर करके रखने हैं पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस मतलब शुरू करने से पहले, और इसकी फ़ीस वगैरह क्या है, सो दैट आप तैयार रहेंगे उस चीज़ के लिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के इन बिटवीन आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। सो आपको देखिए यहाँ पे ये डेट्स हैं सब, जैसे गेट ऑनलाइन जो प्रोसेस वेबसाइट ओपन हो चुकी है 14 सितंबर, क्लोजिंग डेट ऑफ रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 सितंबर, एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड 7 अक्टूबर। एक्सटेंड करना भी मत क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो फाइन वगैरह लगा के थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है ओके। लास्ट डेट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी पेपर एंड एग्जामिनेशन सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि होता यह है कि गड़बड़ में थोड़ा सा हमारा फॉर्म गलत हो गया, एग्ज़ाम सिटी चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो आपको ये डेट याद रखना है लास्ट डेट, मतलब वहाँ से वो चेंज का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप चेंज कर सकते हैं, बहुत लोगों का ऐसा होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड गेट का, मुझे यही बहुत अच्छी एक चीज़ लगती है कि ये सारा का सारा प्री डिफाइन रहता है, वो डेट टू डेट चलते हैं, बहुत ही अच्छी एक एग्ज़ाम है 8th January ओके। और उसके बाद जो जैसे कि एग्ज़ाम कब होनी है, गेट 2021 एग्जामिनेशन ओके, सो दो शिफ्ट में चलेगी 9 to 12 एंड 3 to 6, तो 5, 6, 7, 12, 13, 14 February 2021, तो ये सारी एग्ज़ाम की डेट है, लेकिन आपके सब्जेक्ट की एग्ज़ाम डेट कब है वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा, ठीक है, या फिर आप पूरा का पूरा ब्राउचर पढ़ लीजिए एक बार, आपको समझ में आएगा। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट की डेट भी दी है 22 मार्च 2021, लेकिन उन्होंने COVID-19 पेंडेमिक की वजह से ये शेड्यूल चेंज भी हो सकता है ऐसा कहा है, तो जाहिर है कि हमें सबको भी पता है कि ऐसा हो ही सकता है, राइट ओके। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स की, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या क्या चाहिए, मैं आपको बता दूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट। आपको जो चाहिए एक फ़ोटो चाहिए, वो भी उनके गाइडलाइन से, जैसे पीछे में बैकग्राउंड एक ही कलर का होना, कलर फोटो होना चाहिए, उसकी साइज़ वगैरह सब मेंशन किए हैं, जब हम अपलोड करेंगे तो वहाँ पे ही गाइडलाइन देते हैं, तो आप सबसे पहले गाइडलाइन पे जाके या ब्राउचर में देख के वही साइज़ का सिग्नेचर फोटो और एक ID प्रूफ का PDF, फोटो और सिग्नेचर आपको JPEG PNG में चल जाएगा उसी पर्टिकुलर साइज़ का, लेकिन आपका ID प्रूफ जो है, हम फोटो ही रखते हैं तो उसको सिर्फ PDF में ही वो अलाउ करते हैं, तो PDF में कर लेना, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ऐसा कुछ भी। सो तीन चीज़ें मैंने बोली, फ़ोटो, सिग्नेचर JPEG में या PNG में, और आपका ID कार्ड, ID प्रूफ जो भी है वो PDF में
ओके सो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। ओके चलिए, फीस के बारे में आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल सी कैटेगरी है फीस की। फीमेल कैंडिडेट्स रेगुलर 750, और वो एक्सटेंडेड जो अगर आप डेट तक नहीं भर पाए, लेट भर रहे फॉर्म, तो 1250। उसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 750, वही सेम 1250। उसके बाद ऑल अदर कैंडिडेट्स, इसके अलावा जो भी आएंगे यहाँ पे 1500 बिफोर डेट, एंड अगर आप लेट होते हैं तो 2000, और ये फॉरेन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ओके सो ये फीस की कैटेगरी हो गई। अब जैसे मैंने पहला पेज दिखाया था आपको, स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा नीचे करते ही आपको जो मिलेगा इस टाइप की एक लिंक मिलेगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अभी एक्चुअल प्रोसेस हमारी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो इंटरफेस आएगा इस टाइप से आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है लॉग इन इफ ऑलरेडी रजिस्टर, तो आप रजिस्टर है तो यहाँ पे लॉग इन आईडी दीजिए, पासवर्ड दीजिए, यहाँ पे एक जो मतलब कैलकुलेशन करके नंबर आता है वो दीजिए और सबमिट कीजिए, तो आप लॉग इन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका लॉग इन आईडी पासवर्ड पहले से जनरेट नहीं हुआ है, आप रजिस्टर ही नहीं हुए हैं, तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। इसी पेज पे थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर हियर लिखा है, तो रजिस्टर हियर उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर हो सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, डॉक्यूमेंट्स फॉर एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल सी एलिजिबिलिटी है, रिलैक्स किया है उन्होंने कि कोई भी ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर डिग्री या मतलब थर्ड ईयर डिग्री में होगा, थर्ड ईयर, जैसे कि इंजीनियरिंग का फोर्थ 4 साल का डिग्री होता है तो वहाँ पे थर्ड ईयर में होगा, बीएससी बीए इस टाइप की जो डिग्री है वो तो 3 साल की है तो वो थर्ड ईयर में होगा, अपीयर में भी वो अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली पढ़ सकते हैं, हम एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। ओके सो हमें क्या करना है, रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है, हमें रजिस्टर करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको आपका नाम देना है, यहाँ पे मिडल नेम और सरनेम, तो ये जो नाम आप देंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। कन्फर्म बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, यहाँ से फिर से कंटिन्यू करना है एक बार, और कंटिन्यू करने के बाद आपको इस टाइप का पेज, वही पेज एक्सटेंड हो जाएगा, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वही पेज यहाँ पे आपको फिर ईमेल आईडी देना है, जो कि मैंने हाइड किया है यहाँ पे, कन्फर्म ईमेल एड्रेस। कन्फर्म ईमेल एड्रेस होने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पासवर्ड भी, ये मोबाइल नंबर आपको देना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको ही सेट करना है। और यहाँ पे उन्होंने ऐसे एक नोटिस दिया है स्टूडेंट को कि आप इतना सिंपल पासवर्ड मत रखिए कि जैसे कोई भी एक्सेस कर सके, तो आप जो भी आपको समझता है ज़्यादा कि एक हाई सिक्योर पासवर्ड देना चाहिए कहीं पे भी। ओके सो यहाँ से ये कोड जो कि 8-08, सो वो वेरिफिकेशन के लिए। ये होने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको इस टाइप का एक मैसेज मिलेगा, थैंक यू फॉर रजिस्टर फॉर गेट 2021, एसएमएस ईमेल कंटेनिंग योर एनरोलमेंट आईडी बीन सेंड टू यू, यू नीड टू रिमेंबर दिस आईडी फॉर ऑल गेट 2021 रिलेटेड कम्युनिकेशन। तो आपको बहुत ही ध्यान से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है जिससे आगे का कम्युनिकेशन इसी पे चलने वाला है। ओके उसके बाद इस टाइप का मैसेज आने के बाद आपको फिर से वो जैसे एनरोलमेंट आईडी और ईमेल एड्रेस, तो एनरोलमेंट आईडी आपके मोबाइल पे आ जाएगा या फिर आप ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड जो आपने अभी सेट किया है वो देना है और यहाँ पे ये वेरिफिकेशन नंबर देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए, मतलब आप अब लॉगिन हो जाएंगे। अभी तक आपने रजिस्टर किया जैसे कि यहाँ पे मैसेज आया, अब आप लॉगिन हो रहे हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज़ करके। अब एक्चुअल रजिस्टर होने के बाद एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म हम भर सकते हैं। इसके बाद आपने सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाएगा। ओके सो यहाँ पे देखिए वेलकम, मेरा नाम
आ गया है और बिफोर स्टार्टिंग द गेट, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले ये जो मैंने बोला है कि ये सब कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। आप देख लीजिए कितना सिंपल ये फॉर्म है। उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट फिलिंग गेट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टार्ट फिलिंग दिस वन। ओके, अब इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको इस टाइप का इंटरफेस आएगा। मैं आपको बता दूँ इन शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में यहाँ पे पांच पार्ट में डिवाइड किया है फॉर्म को, जैसे एग्जाम डिटेल, पर्सनल डिटेल, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो बहुत हिकडिक फॉर्म है नहीं, एकदम सिंपल सिंपल सी इंफॉर्मेशन है वो आप दे सकते हैं। तो पांच कैटेगरी हमें कंप्लीट करना है, ठीक है? तो वन बाय वन हम हर कैटेगरी कंप्लीट करते हैं बहुत ही इजीली। तो उसमें सबसे पहले एग्जाम डिटेल्स, तो एग्जाम डिटेल्स में ये इंटरफेस आ जाएगा। एग्जाम डिटेल्स यहाँ पे आपको इस बार एक पेपर को अप्लाई करना है या दो पेपर को अप्लाई करना है ये भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वन पेपर क्लिक किया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सिलेक्ट गेट पेपर, तो यहाँ से आपको आपका सब्जेक्ट, आपका जो पेपर है अवेलेबल, वो ब्राउचर में सारे पेपर दिए हैं कौन से अवेलेबल है। इस बार चार से पांच पेपर नए भी इंट्रोड्यूस किए हैं ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के लिए, जैसे साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके एक स्क्रॉल मतलब मेन्यू बार आएगा, वहाँ पे जाके आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं आपका। जैसे इस तरह से मैंने ये मैथमेटिक्स सिलेक्ट किया यहाँ से, राइट, यहाँ से, तो ये भी कर सकते हैं आप। उसके बाद ऐसे ही सारे जो उसको बटन है, ये जो सारे बटन है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इजीली आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके टाउन से जो भी सेंटर अवेलेबल है और पास है तो वही आपको सिलेक्ट करना है, मतलब आपके कन्वीनियंस से आप देख लीजिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए सबसे मेन जो है यहाँ पे, इस फॉर्म को हम जो भी फिल करते हैं वो सेव भी कर सकते हैं। तो सेव बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आप डायरेक्टली नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये प्रीवियस डेटा जो आपने अब तक फिल किया है वो सेव नहीं होगा। और अगर आप किसी भी कारण से इंटरप्ट होते हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी या कुछ भी, तो आपका वो डेटा सेव नहीं रहेगा, फिर से आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, राइट। सो सेव कर कीजिए और उसके बाद ही नेक्स्ट कीजिए, ठीक है? मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब दूसरी जो डिटेल है पर्सनल डिटेल, देखिए पर्सनल डिटेल में ऑब्वियसली आपको जो जो चीज़ें लगती है यहाँ पे देखिए, एनरोलमेंट आईडी तो ऑटोमेटिकली आएगा, नाम भी ऑटोमेटिकली आएगा, ईमेल भी ऑटोमेटिक, मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिक आएगा, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करनी है, मेल, फीमेल, इंडियन नेशनलिटी, कैटेगरी आपको जो भी देनी है, मतलब आपकी जो है वही, यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस भी दिया है, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो भी देख सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पे। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यस किया तो आपको वो परसेंटेज और किस टाइप की डिसेबिलिटी है वो भी देना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे नो किया है। कैंडिडेट विथ डायस्लेक्सिया सिमिलर लर्निंग, यस और नो, तो आप वो भी क्या उसके लिए एप्लीकेबल है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। ओके, सो सिंपल सा। उसके बाद आप अगर यहाँ पे सेव कर लेना, पहले सेव करने के बाद सबमिट करना, ठीक है? उसके पहले यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में जो कि हम पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करें, यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस और वेरीफाई मोबाइल नंबर है, तो यहीं से इसी पेज पे पहले ही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिए। आप जब वेरीफाई करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस, मतलब वेरीफाई किया तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है? सो आपके रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तब भी एक मैसेज आता है, वही ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट, जो पर्सनल डिटेल हम फिल कर रहे थे उसी से यहाँ तक हम आ गए थे। अब कंट्री और परमानेंट एड्रेस, ये तो सब स्क्रॉल में आ जाएगा आपका, स्टेट, आप वैलिड फोटो आईडी क्या देना चाहते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने आपको दी है। वैलिड फोटो आईडी नंबर यहाँ पे देना है,
नेम ऑफ पेरेंट गार्डियन वो भी देना है, उनका नंबर भी यहाँ पे देना है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपको सेव कर लेना है, ठीक है, सेव कर लेना है, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट। ओके सो नेक्स्ट किया, द डेटा यू हैव एंटर्ड हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ऐसे मैसेज आएगा तो आपको सेव करना है। नाउ करस्पॉन्डेंस एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, अब एड्रेस जो कि सबसे पहले पिन कोड देना है, पिन कोड जैसे ही देंगे आप कंट्री और स्टेट आपका आ जाएगा, और उसके बाद आपको एड्रेस देना है आपका जो भी एड्रेस है, ये सब फिल करने के बाद फिर से सेव, हर पेज पे सेव करना है आपको, ठीक है। अब देखिए सेव करने के बाद फिर से आपको सेव करना है, ओके, और देखिए सेव करने के बाद फिर से आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट मतलब हम फोर्थ कैटेगरी में, फोर्थ पार्ट में अभी आ चुके हैं, राइट। एग्जाम डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, करस्पॉन्डेंट एड्रेस हो गया, अभी क्वालिफाइंग डिग्री, ये भी थोड़ा ध्यान से भरना है। क्वालिफाइंग डिग्री आपका कॉलेज पिन कोड, जिस कॉलेज मतलब क्वालिफाइंग आप किस डिग्री पे अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलेज का एक पिन कोड जो होता है हमारे सिटी का वो देना है, तो आपको कंट्री और स्टेट आ जाएगा और सिटी भी आ जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ अलग आता है जो आपकी सिटी नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, या आपको जो मार्कशीट पे लास्ट मार्कशीट पे जो रोल नंबर रहता है वो भी दे सकते हैं, या फिर एनरोलमेंट नंबर भी आप दे सकते हैं, ओके। उसके बाद देखिए क्वालिफाइंग डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, आप कौन सी डिग्री, क्वालिफाइंग डिग्री मतलब आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की चूज़ कीजिए, सारा मेन्यू में ऑप्शन आ जाएगा, या पीजी है तो पीजी सिलेक्ट कीजिए। डिसिप्लिन ऑफ अ क्वालिफाइंग डिग्री, तो आपका जो सब्जेक्ट जिसमें है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। हैव यू ग्रेजुएटेड इन द अबो डिग्री, अब देखिए डिग्री जो है क्वालिफाइंग डिग्री, तो ग्रेजुएट है कि नहीं, मतलब मैथमेटिक्स जो भी है, फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग, तो आप ग्रेजुएट है कि नहीं, अगर आप ग्रेजुएट है तो यस कीजिए, अगर अपीयर है तो नो कीजिए। अगर आप ग्रेजुएट है ऑलरेडी तो आपको ईयर पूछा जाएगा यहाँ पे, कौन से ईयर में पास आउट है, और अगर आपने नो कर दिया, आपने नो कर दिया तो आपको यही सिर्फ ईयर, मतलब आप किस ईयर में वो डिग्री पास हो जाएंगे, इस टाइप की ईयर यहाँ पे आएंगे 2020 से लेके 2024 तक, ओके। सो फिर से वापस आते हैं, मैंने यस कर दिया, ग्रेजुएट हूँ मैं उस सब्जेक्ट में, इसीलिए। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो भी डिग्री प्रोवाइड करता है वो डालना है, और आपका कॉलेज नेम, तो ये कॉलेज नेम देना है, ठीक है, और फिर से सेव बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट, राइट। सो इस टाइप से देखें, ये नो का मैंने बताया आपको, तो सेव और नेक्स्ट कीजिए, ओके। उसके बाद लास्ट स्टेप पे जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि तीन ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए अपलोड कलर फोटो, अपलोड सिग्नेचर एंड अपलोड फोटो आईडी। अब ये तीन चीज़ें अपलोड करने से पहले आप यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ एंड गाइडलाइंस फॉर द अपलोडिंग द सिग्नेचर, तो ये गाइडलाइन देख के पहले ही इसे प्रिपेयर कीजिए कि कौन से साइज़ में चाहिए, यहाँ पे सब कुछ दिया है इन्होंने, कौन से साइज़ में चाहिए, क्या चाहिए, वो पहले ही तैयार कीजिए, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड आपको करना पड़ेगा, और मैंने आपको पहले बताया कि जो अपलोड फोटो आईडी है वो आपको पीडीएफ में ही चाहिए, और बाकी जो दो है ये आपको जेपीजी या पीएनजी में चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने अपलोड किया है सब कुछ, जैसे फोटोग्राफ इस टाइप से, सिग्नेचर और फोटो आईडी, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा मतलब उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, जैसे कि सेव तो करना ही है, ठीक है, सेव एंड व्यू एप्लीकेशन, क्योंकि ये लास्ट पेज है तो आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा, सेव एंड व्यू एप्लीकेशन भी कर सकते हैं आप, देख लीजिए एक बार एप्लीकेशन। रिव्यू एंड सबमिट, रिव्यू एंड सबमिट, सो रिव्यू एंड सबमिट पे अगर आप
क्लिक करेंगे तो आपको वो फिर से पूरा फॉर्म दिखाएंगे और लास्ट में सबमिट का बटन दिखाएंगे, या फिर आपको कुछ गलत होता है तो आप प्रीवियस सेक्शन पे भी जा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये रिव्यू एंड सबमिट मैंने किया है, तो रिव्यू वो सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने भरी है वो ठीक है कि नहीं, ऐसा पूरा लंबा एक फॉर्म आ जाएगा जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है। ओके, उसके बाद ये देखिए वहाँ पे आपने सबमिट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके इस टाइप का एक इंटरफेस आएगा और इसमें आपको ई सिग्नेचर करना है, ये डिक्लेरेशन देना है, तो यहाँ से यहाँ पे टिक करना है। देखिए यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे टिक करने के बाद आप यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन फॉर्म भी कर सकते हैं, सबमिट एंड प्रोसेड टू पेमेंट भी कर सकते हैं। तो व्यू एप्लीकेशन करके आप देख लीजिए एक बार, और जब आप कंफर्म हो जाएंगे तो सबमिट एंड प्रोसेस टू पेमेंट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसेस टू पेमेंट पे सपोज क्लिक किया, ये फॉर्म आपका इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से एक फॉर्म आ जाएगा आपका, और उसके बाद सबमिट एंड प्रोसेस टू पेमेंट जो करते हैं तो वहाँ से आपको एक आपका कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन ये भी करना है, तो ये OTP आपको मिल जाएगा और वही आपको यहाँ पे इनपुट देना है और ओके बटन पे प्रेस करना है। जैसे आप ओके बटन पे प्रेस करते हैं ये देखिए पेमेंट फॉर गेट 2021। ठीक है, तो ये भी सिंपल प्रोसेस है, कोई यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है नहीं। यहाँ पे लिख के आया है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, सो पेमेंट के लिए हम प्रोसीड कर रहे हैं अभी, तो पेमेंट के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वही पेज स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी फ़ीस, जैसे कि मैंने जनरल चूज़ किया था तो 1500 आ गया है, राइट। और कुछ चार्जेस अगर ऑनलाइन इसके हैं तो वो भी लग जाएंगे थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। उसके बाद ये देखिए इस टाइप से वही पेज स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आ जाएंगी, और यहाँ पे कोड डालना है बस और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं आपको इस टाइप का एक पेज आ जाएगा जो कि ऑनलाइन पोर्टल है पेमेंट करने के, तो बहुत सारे हैं, आप जो भी कन्वीनियंट है आपको वो यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखिए थोड़ा कैफे वगैरह अदर पर्सन से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट होनी चाहिए, और थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यू है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करना चाहिए। ओके, तो इस पे से आप कोई भी सिलेक्ट कीजिए पेमेंट मेथड और डायरेक्टली पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको ये रिसिप्ट, जैसे बैंक मैंने SBI से किया है तो ये ऐसी इस टाइप से एक रिसिप्ट आ जाएगी, और सक्सेसफुली योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुली लिख के उसके फाइनली जो आपको मैसेज आएगा या फिर इंटरफेस आएगा क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट मेड सक्सेसफुली। ओके, और ये एप्लीकेशन स्टेटस आपका जो है ये यहाँ पे एनरोलमेंट ID एप्लीकेंट नेम स्टेटस आ जाएगा, और सबसे मेन चीज़ यहाँ से आप आपका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं आप PDF में, तो आप ये फॉर्म डाउनलोड करके आपके पास रख सकते हैं मोबाइल में, उसकी हार्ड कॉपी कुछ सबमिट तो करना है नहीं, तो आप प्रिंटआउट नहीं निकाले तो भी चलेगा, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में आपके पास रख सकते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन गेट 2021 ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके भी बहुत ही इजीली ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और पढ़ाई को ज़रूर शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।